आपने क्या किया? आपको पता है ना कि जीजू को कितनी एलर्जी है स्ट्रॉबेरी से। अरे इतने से क्या होगा, थोड़ा और डालो, इसमें तो टेस्ट भी नहीं आएगा, थोड़ी और स्ट्रॉबेरी डालो। अब जाके उसका दिल बल्ले बल्ले करेगा। तो इसका मतलब पैरी ने मुझे मैनिपुलेट किया, अंगद और मेरा झगड़ा लगाने की कोशिश की। मैं आपके लिए एंटी एलर्जिक ड्रॉप लेके आऊंगा। सब मेरी गलती है, मैं पता नहीं कालिंदी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं कि वो थी कैसी। रियादों ने ही मुझे धोखा दे दिया। मैं तो फिर से अपनों के क्लोज होना चाहती थी, लेकिन अब से मैं कोई कोशिश नहीं करूंगी। चीजू, मुझे लगता है दी से ना सच में गलती से गलती हो गई है। आपको पता है उनकी कंडीशन कैसी है, अब हम उन्हें तो ब्लेम नहीं कर सकते। चीजू, इस कंडीशन में भी उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके लिए केक बनाया, आपका दिल खुश करने के लिए। बेचारी दी। सब तोड़ दे, अपना दिल तोड़ दे once and for all। वो नहीं मानता है ना कि तू उसकी कालिंदी है। तू मानेगा भी क्यों? वो move on कर गया है। तू भी move on कर कब तक मनाती रहेगी कालिंदी? अगर तू अपनी जान भी दे देगी ना, फिर भी वो कभी नहीं मानेगा। तू और तेरी stupid memory loss। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे याद है? पता नहीं, मेरी यादें खुद मेरे लिए भूली भी याद बनके रह गई है। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, इतना ज़्यादा गुस्सा। तो यही एक जगह थी जहाँ पे मैं अपना गुस्सा निकाल सकती थी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे भी। मिलके तोड़े। शॉ। हाँ? पॉलिश मैं लगा दूं। तुम पिकनिक से वापस आ गई, कैसी थी पिकनिक? बहुत अच्छी, इतना सोचा भी नहीं था, उससे भी कहीं ज्यादा फैंटास्टिक। ओह रियली, वाज इट दैट फन? हाँ, क्यों शॉक लगा? नहीं नहीं नहीं, शॉक क्यों लगेगा, योर ग्रेट, पिकनिक वाज ग्रेट, आई एम सुपर हैप्पी। या मी टू। ये क्या कर रही हो तुम? तुझे तेरी दो कौड़ी की औकात याद दिला दी। तो जैसी मीठी छुरी कब आके किसको काट देना पता न चले। लेकिन मुझे सब पता चल गया। मेरे और अंगद के बीच में दूरियां लाने की कोशिश कर रही थी ना, इससे ना मुझे एक लाइन याद आ गई जो थोड़ी पुरानी है, लेकिन तेरी सिचुएशन पे ना एकदम अप्लाई करती है। जिस स्कूल में तू पढ़ी हुई ना, वहाँ की प्रिंसिपल हूँ मैं। तो कुछ भी करने या कहने से पहले 10 बार सोचना, वरना तुझे सोचने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, समझी? और तो जैसी खूबसूरत बलाई जो हॉट हॉट लड़कों के आसपास भिन भिन आती है ना, उनको तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, समझी? इसे मैंने रॉबिन से पहले ही टिप ले ली। अंगद और कालिंदी की वो पर्सनल बात जो तूने मुझे कभी नहीं बताई, प्लेट तोड़ने वाली। नहीं नहीं, मैं बताने वाली थी। चुप पैरी जादी, झूठ उतना ही बोला कर जितना डाइजेस्ट हो। मेरे साथ खेलने या कुछ करने से पहले ना 100 बार सोच लेना, वरना अपनी ये नेल पॉलिश से लिपी पुती उंगलियां ना याद कर लेना, क्योंकि ये फिंगरलेस लूंगी और तू उसके बाद नेकलेस, आई मीन नेकलेस, समझे? ये कैसे हो सकता है? दो कालिंदी कैसे हो सकती है? दोनों की खत काटी शक्ल सब एक, तो क्या दोनों की खास नक्षत्र की कुंडली भी एक है?
दिया, जो कुछ भी हुआ ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया ना, और देखो हम आपके लिए कितना सब कुछ लेकर आए, नए कपड़े, नए सैंडल्स और भी बहुत कुछ। बेटा, तुम्हारे जाने से हमारा अंगद भी कहीं चला गया था, वो जैसे कहीं खो गया था, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो तो अंगद भी वापस आ जाएगा। ये होम होम नहीं, हैप्पी होम हो जाएगा। विल बी वंस अगेन बी हैप्पी बिग फैमिली। तुम्हें अपना पास्ट याद नहीं तो क्या हुआ, फिर भी तुम हमारी कालिंदी तो हो ना? हाँ दी, हमारी दी वापस आ गई और हम बहुत खुश हैं। मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम कर लूँ? हाँ। तुम्हारे गिफ्ट्स यहीं रख दे रहे हैं, इनको अच्छे से देख लेना, ओके? हाँ। बाय बाय। दी, आपके आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू है या फिर गम के? कचरे के, वो आंख में कचरा चला गया था इसलिए पानी आ गया। सोना, तुझे पता है एक दूसरे के सिवा ना हमारे पास कोई नहीं है, अनाथ आश्रम में पले बड़े, तो ये फैमिली का प्यार क्या होता है ये कभी देखा ही नहीं। पर यहाँ देखा ना कालिंदी बन के, किस परिवार के लोग कालिंदी से कितना प्यार करते थे, बस यही इमेजिन कर रहे हो ना दी आप? इमेजिन नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी लाइफ जी रही हूँ। और यहाँ रहना इट्स नॉट सो बैड, आई मीन आई कैन ऑब्वियसली एडजस्ट। तो क्या हो गया अगर उस कालिंदी की चॉइसेस वियर्ड हो, लेकिन अंगद तो क्यूट है ना, और वो मिंटी वो महा इरिटेटिंग है, लेकिन अच्छे दिल की है, प्योर हार्टेड है, शायद इसलिए मुझे इसके आसपास रहना भी अच्छा लगता है। यू नो, कभी किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की, लेकिन अब जब कोई कर रहा है ना, तो आई एम लाइकिंग इट। हाँ दी, आपका पत्थर दिल पिघलने लगा है क्या? हाँ जी, क्योंकि मेरी सोना डारिंग को ना वो इशार अच्छा लगने लगा है ना, तो आई थिंक मैं इस घर में रह सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन घर में ऐसे लोग जरूर हैं जो मुझे मेरे इस ड्रीम वर्ल्ड में से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ, चांदनी हूँ मैं, जब आसमान में छाती हूँ ना तो छा जाती हूँ, फिर उसकी रोशनी कोई नहीं काट सकता, और वो पैरी, उसको तो मैं 2 सेकंड में ऐसे अपनी उंगलियों के बीच में मसल दूँ, अगली बार कोई अपना नया पैतरा तो अपना के दिखाए। यस, ये हुई ना मेरी चांदी वाली बात। कालिंदी, तू जल्दी यहां से भाग जा। कौन है? इस वक्त ये सब पूछने का समय नहीं है, तू भाग यहां से, बस भाग जल्दी। Thank you.
क्या तू मुझसे? मैं बगावत, मैं हुकूमत, मैं रावत। अपने भाई को भूल गया तू ज्वाला, अपने छोटे भाई को भूल गया। मैं तेरी जान हूँ, तेरी जिगर का टुकड़ा। आज इतने सालों के बाद तू मुझे जाकर मिला, आज मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। रॉबिन, ये रॉबिन कहाँ चला गया सुबह सुबह? रॉबिन कहाँ चला गया? Happy birthday, dear Minty. कि आपको मेरा बर्थडे याद था? इतना सब कुछ हो गया, आप सब कुछ भूल गए थे। I mean, कुछ भूले थे, कुछ याद था, लेकिन आपको मेरा बर्थडे याद था। देख, कहने को तो मैं झूठ भी बोल सकती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं सच कह देती हूँ, ये मैंने नहीं, ये दामिनी आंटी ने मुझे याद दिलाया। हाँ, मैंने बताया। अब दो साल तक तो ये थी नहीं यहाँ पे, तो हम लोग को कितना बुरा लगता था, और इसे भी यहाँ तक आने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैंने सोचा रिश्तों में थोड़ी सी मिठास डाल देते हैं। सारी तैयारी कालिंदी ने ही की है। थैंक यू दी। लेकिन कोई तो है जो मेरा बर्थडे भूल गया, क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है। वो कहीं गायब नहीं है, वो गया था तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल से गिफ्ट लेने। हैप्पी बर्थडे मिंटी। This is so beautiful. है ना? चांदी, पूरी रात जग के आपने गुब्बारे फुलाए हैं। आपकी पूरी मेहनत फुस हो जाएगी अगर आपने अपने इरादों पे कंट्रोल नहीं किया तो। अब आप ही डिसाइड करो, आपको घर के प्यार की हवा खानी है या फिर जेल की। मिंटी, मुझे पता है कि तुम अपना बर्थडे बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती थी और वो नहीं हो पाया किसी वजह से, बट आई प्रॉमिस अब जब मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा तो वो बहुत ग्रैंडेस्ट होगा। जी जी, मुझे पता है कि आप मेरा सपना पूरा करने के लिए ना जमीन आसमान एक कर सकते हो, लेकिन जी जो मुझे ना कोई इतनी बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, मुझे एक छोटी सी सिंपल सेलिब्रेशन चाहिए मेरी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरी दी वापस आ गई और मैं चाहती हूँ कि हम इसी घर में अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ जी लें जो हमारे लिए बहुत बड़ी है। सिंपल फन विद दिल की खुशी। ब्रो ब्रो ब्रो, इसके सिंपल फन का मतलब है अंताक्षरी, तो मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कैसे भाग जाएगा? मिंटी का मन अंताक्षरी खेलने का और सबके साथ खेलने का, तो वो खेलेगी। जब मुझे पता चला कि तेरा कत्ल हो गया और तूने अपना इंसानी शरीर त्याग दिया है तो मैं तुझे ढूंढने के लिए दर दर तक भटकता रहा। मैंने दिन रात घनघोर तपस्या की और तंत्र विद्या हासिल की। लेकिन तू मुझे नहीं मिला मेरे भाई। लेकिन आज देख, आज पता नहीं कौन सा शुभ दिन है, कौन सी शुभ घड़ी है, तू मेरे सामने आकर खड़ा हो। अब तू देखना, मैं अपनी तंत्र विद्या से तुझे तेरा मकसद हासिल करने में तेरी मदद करूंगा। तुझे जो कुछ भी चाहिए वो तुझे दिलवाऊंगा। मेरे बारे में तो तू अच्छी तरह से जानता है, मैं ना नर हूं ना नारी हूं, मैं तो एक किन्नर हूं, और इसीलिए समाज ने मुझे तुझसे और अपने घर से दूर कर दिया। लेकिन अब 18 वर्षों के बाद आज फिर मैं तेरे सामने आ गया हूं। अब तू देखना, तेरा जो भी मकसद है वो तू हासिल करके रहेगा, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो तुझे दिलवा कर रहूंगा। तूने इतने वर्षों तक जो भी तू खेले हैं, हम मिलकर उसका बदला लेंगे, हम मिलकर तेरी अमरता को हासिल करेंगे।
ये मेरी शपथ है तुझसे, मेरी शपथ, इरावत की शपथ। लड़की जो खड्डे में गिर गई है, उसका क्या? इसे यहीं पड़े रहने दो। इसे इस खड्डे से निकालने के लिए जंगल में कोई नहीं आने वाला है, और इसके लिए योजना है मेरे पास। काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के। अरे मिंटी, मैंने तुम्हें जो हार दिया था वो कहाँ गया? रॉबिन, मैंने पहना था, पता नहीं कहाँ गया। मिंटी बेटा, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? हार ही तो है, यहीं कहीं गिराएगा और घर है जाएगा कहाँ? चलो उठो, हार को ढूंढो। आओगे? एक मिनट, कुछ बात करनी होगा। कहाँ जाएगा? रख लेना, फिर बाद में। अच्छा ठीक है। तामनी भाभी, वो जो हीरो का हार था ना, वो असली हीरो का था? शालिनी, ऑफ कोर्स असली हीरो का था। मेरे बेटे नकली चीजों और नकली लोगों में बिलीव नहीं करते, ओके? हाँ हाँ। एक मिनट, हार कहाँ? क्या? नेकलेस दो। नेकलेस? मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास है, चुपचाप मुझे दे दो। तुमने लेते हुए देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन मैंने इन आंखों से तुम्हारी इन आंखों को चमकते हुए देखा जब तुम उस नेकलेस को देख रही थी। अरे यार अंगद, सबकी आंखों में वो चमक थी यार, क्योंकि वो नेकलेस था ही इतना खूबसूरत। लेकिन सब लोग चोर नहीं थे ना यार।
तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं चोर हूँ? मैंने मिंटी का कोई नेकलेस नहीं चुराया है। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं डेड श्योर हूँ कि तुम चोर ही हो। हाँ जी हाँ जी, और मुझे ना वो पूल साइड वाला वो कमरा चाहिए, स्वीट स्वीट ओवरलुकिंग द पूल। हाँ जी हाँ जी। शालिनी के लिए एक फर्स्ट क्लास मर्सिडीज विद ड्राइवर। और हाँ, शालिनी के लिए एक फर्स्ट क्लास मर्सिडीज। तू देखने आई थी कि चोरी के माल को आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। अच्छा है मिंटी के चुराए हुए हार पे ऐश तो बनती है। ओए क्या बक जा रही है तू, हैं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कहीं तेरी बहन की तरह तेरे सर पे चोट लग के कुछ भी बोले जा रही है? तो फिर ये क्या है? सोना तू कितनी सोनी है। देख बेटा, ये वहां दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता ना। ये अगर तू बाहर दिखा देगी तो पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। बेटा इस उम्र में मैं और तेरे पृथ्वी अंकल कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे बता। यहाँ रहना है तो ये हार मुझे दे दो, है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे देख बेटा, चोरनी के साथ चोरी करना भी चोरी होती है। ओ चोरनी आंटी जी, मैं आपकी तरह कोई चोर वोर नहीं हूँ। मैं ये हार जाके मिंटी को वापस करूंगी, और ज्यादा ना नुकर की ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगी। एक मिनट, निकले दो। ओके फाइन मिस्टर डिटेक्टिव, तो काम करो ना, तुम मेरी तलाशी ले लो। कम ऑन चेक मी आउट। ओके चेकिंग, मिल गया अपना नेकलेस। कहा था ना मेरे पास नहीं है। यार तुम ना हमेशा बस मुझे चोर नहीं समझना। नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें चोर नहीं कैसे समझ सकता। तुम चोर नहीं हो। ओके फाइन, मुझसे अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस घर से ही चली जाती हूँ। मेहरबानी जी आपकी, चली जाइए यहाँ से। बता पाऊंगा सब लोगों को कि कोई बहरूपिया आई थी कलिंदी के रूप में, जो यहाँ पे उसकी दौलत और शोहरत लूटना चाहती थी और उसकी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन पकड़ी गई तो चली गई। पता है मुझे तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन तुम ना, तुम मुझसे मेरा नाम, मेरी पहचान ये सब लेना चाहते हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं चली जाऊं यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो ना करो, मैं इस घर से फूटी कौड़ी नहीं लेके जाऊंगी। मैं इस घर से सबसे दूर चली जाऊं, दैट वुड बी सो मच बेटर। अपन समझ में नहीं आ रहा मेरा नेकलेस कहाँ गया। मेरा बर्थडे गिफ्ट था वो, तुमने कितने प्यार से दिया था मुझे। डोंट वरी मिंटी, मैं तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ, अब पुलिस ही पता करेगी कि वो नेकलेस कहाँ है। रॉबिन, नेकलेस कहाँ? रॉबिन देखो। हाँ ये तो वही नेकलेस है जो मैंने अभी तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में दिया था। पर ये यहाँ कैसे? दीप कहाँ जा रहे हो आप? इस घर से दूर, कोसों दूर। हर कोई इस घर में मुझे चोर समझता है, इस घर में रहने का मतलब ही क्या हुआ फिर? अंगद जीजू ये क्या हो रहा है? दीप मुझे मेरा हाल मिल गया। कहाँ मिला? हमारे रूम में ब्रो। मुझे लगता है घर में जो नेकलेस चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उससे थीफ डर गया, और थीफ ने डर कर वापस ये नेकलेस हमारे रूम में रख दिया। अब बोलो ना, अब बोलो कि हार मैंने चुरा के मिंटी के कमरे में रखा। इन्वेस्टिगेशन तुम कर रहे थे, पूरे टाइम मैं तुम्हारे साथ थी, तो मैंने मिंटी का हार चुरा के उसके कमरे में कैसे रखा होगा? ब्रो आप कालिंदी बैब्स पे शक कर रहे थे। मैं अपने शक पे शक कर रहा था, और अगर हारिस ने नहीं चुराया तो किसी ने तो चुराया ना, और जिसने भी चुराया ना उसको सामने लेके आना, मेरा काम है और मैं ले आऊंगा। ट्रस्ट मी। अंगद, अंगद रुको, दी अंगद, अंगद एक मिनट रुको। अरे क्या प्रॉब्लम है, मुझे करने दो ना जो करना है। अरे लेकिन जो तुम करोगे उससे गलत हो जाएगा ना। तुम्हें कैसे पता मैं क्या करने जा रहा हूँ? मुझे पता है कि तुम शालिनी चाची को मिलने जा रहे हो, क्योंकि हार उन्होंने ही चुराया। तुम्हें कैसे पता कि
उन्होंने हार चुराया? क्योंकि वो मिंटी की अंताक्षरी वाली वीडियो है ना, उसमें देखा था मैंने। यार देखो, मैं ये वीडियो शूट करी थी, सोची थी कि यादों को सजाऊं थोड़ा। इतने दिनों बाद, इतने बरसों बाद मेरी जिंदगी में खुशी वापस आई है, you know? लेकिन जब मैंने तुम पे उंगलियां उठाई थी, तब तुमने मुझे ये वीडियो क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऐसा कुछ होता तो चाची की इंसल्ट हो जाती। अब इंसान मुझ पे आया तो मैंने सोचा ठीक है, सह लेती हूँ, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, तो मुझे घर के बाहर निकाल दोगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि सच ऐसे सामने आ जाएगा। मुझे पता था कि अगर तुम्हें चाची के बारे में पता चल गया ना, तो तुम उनको घर के बाहर निकाल दोगे। मुझे पता चली गया ना, घर के बाहर तो मैं अब भी निकालूंगा। यार नहीं, उनका हमारे सिवा कौन है, सिर्फ हम ही है, राइट? और जब बड़े गलत हो, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाना और उन्हें घर के बाहर निकालना, वो तो इस घर की मर्यादा के खिलाफ है ना? लेकिन चाची का इल्जाम तुम पे लग गया, उनकी वजह से तुमने इतना गलत गलत सुना, उसके बाद भी तुम उनकी इतनी परवाह क्यों? अंकद, तुम जानते हो ना कि चाची मेरे लिए कौन है, क्या है। पास से बिलोंग करती, मैं अपने पास को ऐसे काट के तो नहीं फेंक सकती ना। जो मेरी परवरिश है, जो मेरे कुछ उसूल है, तो एग्जैक्ट सेम है, राइट? खैर, मुझे जो काम करना था मैंने कर दिया, अब मैं जाती हूँ यहाँ से। नहीं, तुम चाहो तो तुम रुक सकती हो। आई मीन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस घर में और थोड़ा। मुझे पता है तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे आजमाना चाहते हो ना। अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों आजमाऊंगा, मैं तो जानता हूँ ना कि तुम मेरी कनिधि नहीं हो। अंगद, ऐसा भी हो सकता है ना कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत हो और मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो कि मैं नहीं हूँ। चांदनी नाम है मेरा। एक बार इसकी रोशनी छा गई तो छा गई, अब इसे कोई नहीं काट सकता। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। मैं बोलती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मैं बोलती हूँ। चाहे कितना भी मुझे डरा ले, लेकिन कालिंदी को हासिल करने में मैं तेरी बिल्कुल मदद नहीं करूंगी। उसे तेरे हाथों में देना मतलब कुदरत का विनाश, और मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तू जैसे शैतान के हाथ तो कभी नहीं। ए बुढ़िया, 2 साल से तुझ पर नजर है मेरी, जानता हूं तू कितनी सिद्धि है। तेरी सिद्ध तोड़ने का रास्ता है मेरे पास में। तो कुत्तों कभी अतीत की रास खोलेगी नहीं, तो रास खोलने वाला कोई आ गया है। आए, आजा। इरावत, तू डर लगा? अच्छा है, अब यही डर तेरे दिल के तार खोलेगा और अतीत के हर राज खोलेगा। तू कालिंदी के बारे में जो कुछ भी जानती है वो सब मैं जान जाऊंगा, अतीत के हर राज को जान जाऊंगा। चल बता। Thank you.
कालिंदी बेटा, कालिंदी, कालिंदी, क्या इसका मतलब मेरा शक सही था? वो एक नहीं वो दो है। हाँ भाई, वो दोनों सगी बहनें हैं जो बचपन में जुदा हो गई थी इस महामाया की वजह से, और हमें कुछ भी करके उन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ? तेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर वो दोनों एक साथ मिल गई तो तेरी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन हाँ, उनमें से अगर एक अकेली चाहे तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे कि कालिंदी ने चाहते हुए भी तुझे काली माँ के खड़ग से मारने की कोशिश की थी, किंतु वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, इसलिए तेरा विनाश नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। चल भाई, दोनों में से एक को मार देते हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने एक को मार भी दिया तो दूसरे के पास जो रोहिणी नक्षत्र की शक्तियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, जिन शक्तियों की वजह से तू अमर हो सकता है। इसलिए हमें कुछ भी करके दोनों को एक साथ नहीं होने देना है। तो ठीक है, जो कालिंदी अभी खड्डे में गिरी पड़ी है वो हमारे कब्जे में है। जब हमारा काम है उसकी हम शक्ल बहन को ढूंढना और उसे कालिंदी से कोसों दूर करना, इतनी दूर कि वो वापस कभी लौट के ना आ सके। लेकिन ये होगा कैसे? मेरा ये इंसानी रूप कब काम आएगा भाई? इंस्पेक्टर, मुझे उस वायपर की पल पल की खबर है, पक्की खबर है। वह मलामा है, वो सुगनी कर दो, चप्पा चप्पा छान मारो, उस लड़की को ढूंढ के मेरे सामने ले आओ। तो गाइस, क्यों ना मिंटी के बर्थडे पे हम मिंटी की फेवरेट मूवी 50th टाइम वापस देख लें। व्हाट अ रोमांटिक नेम, जब भी मैं। मैंने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी तुम्हारे लिए आज। नो रॉबिन, हम वो ना कभी भी अपने होम थिएटर पे देख सकते हैं। अरे काम करते हैं, लेट्स गो टू अ गुड रेस्टोरेंट, जो भी सबसे अच्छा रेस्टोरेंट होगा वहां पे चलते हैं खाना खाने के लिए। गुड आइडिया। काली मंदिर चले? क्या हो गया? आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मतलब जब से काली मंदिर में पैर रखा है ना, कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई कनेक्शन है। ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ पहले जा चुकी हूँ, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे बात हुई है, जैसे कई अपने भी मिले हैं, कई अपने पिछड़े हैं। पता नहीं, आज मन किया कि मंदिर चली जाओ, और मिंटी का बर्थडे भी है ना, मिंटी माता रानी के दर्शन भी कर लेगी, आशीर्वाद ले लेगी, है ना? मंदिर चलते हैं। वाओ दी, ये हुई ना मेरी दी वाली बात, अब तो ना हम काली मंदिर ही जाएंगे। ओके, सब चलेंगे, लेट्स गो। क्या हो गया? अगर तुम्हारे मन नहीं है तो मैं मिंटी के साथ चली जाती हूँ, है ना? हाँ, नो नो बैब्स, आप दोनों क्यों जाओगे? हम सब चलेंगे, है ना ब्रो? हाँ, कम ऑन, लेट्स गो। चल। वेट वेट वेट, मैंने सुना है आप लोग सब मंदिर जा रहे हो। मैं तो मंदिर की दीवानी हूँ, दो सालों से मंदिर रतन धन पायो, मुझे भी साथ ले चलो। चलो चलो, इसी बहाने शायद भगवान तुम्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे दे। ओह परिधि, तुम्हारी ये इयररिंग्स आई रियली लाइक, कहाँ से ली? मेरे तो मंदिर विजिट्स होते ही रहते हैं, बहुत जगह से बहुत चीजें लेती हूँ मैं। ये मैंने शायद ऋषिकेश से ली।
ऋषिकेश से। जरा देखो तो। I'm sorry. लगता गलती से मेरा नेल लग गया। धीरे धीरे तुम्हें नींद आने लगेगी। अगर तुम मेरे साथ बंदे चली ना तो मेरी सारी बहन की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं सी होगी नहीं, I mean मिस भोगी। अब जाओ सो जाओ, गुड गर्ल। हाँ तो चलो, बहुत नींद आ रही है, सोने चलो। मुझे नहीं पता था मंदिर का नाम सुन के ये ध्यान मुद्रा में चली जाएगी। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी भक्त है। हम लोग सब मंदिर चले। यस यस लेट्स गो गाइस, चलो हम सब चलते हैं। जी चलिए, जय माता दी। कोई नई खबर? नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं चला। तो क्या कर रहे हो? मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ बैठने के पैसे नहीं देता। पता करो लूटो उसे। यस सर। तो कहाँ है हम शकल? जहां भी है तू, तुझे तो मैं पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। वो कालिंदी की हमशक्ल अगर शेरनी है तो उसकी चमची सवा शेरनी। इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने। मंदिर जाऊंगी, अंगद को एहसास दिलाऊंगी कि मेरा मन भी एक मंदिर है। आओ इस मंदिर में आओ, साथ में पूजा करेंगे। पर उसने तो मेरा प्लान ही फेल कर दिया। उस टंकी ने मेरा चोरी करने वाला वीडियो कब ले लिया मुझे पता तक नहीं चला। प्रीति जी मैं तो कहती हूँ जल्दी से इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी जिंदगी तो नर्क से भी बदतर हो जाएगी, बदतर। अरे प्रीति जी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, ये कैलरी शैलरी बाद में जला लेना, अभी आप फिलहाल दिमाग की बत्ती नहीं जलानी। अभी हम कुछ नहीं करेंगे जब तक सामने वाले की ताकत और कमजोरी का पता नहीं चल जाता। अपने गुस्से पर और अपने वार पे काबू रखना चाहिए। थोड़ा इंतजार करो, मौका मिलते ही चौका मारेंगे। दी असली जेवर तो उधर है। ये जेवर तो मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी, नचेगा तो यही मेरे तन पे। जय माता दी। जय माता दी। कोशिश भी मत करना ये सोचने की कि मैं तुम्हें ये जेवर लेने दूंगा। और तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें कुछ बताया था। मेरी किस्मत फिसल सकती है लेकिन मेरी नियत नहीं, वो भी यहाँ मंदिर में। नेपो मैं शायद भूल रही हो कि मैंने तुम्हें कुछ बताया था कि मैं तुम्हारी नियत फिसलने का तुम्हें मौका भी नहीं दूंगा। नेवर। निकल, आखिर तू मिली गई, बहुत आंख में चली खेली तूने हमारे साथ, और बस अब तेरा खेल खत्म। निकल मार। अरे भैया गोली चलानी तो आराम से चलाओ ना, इतनी जल्दी क्या, कहां भागे जा रही हूँ मैं? पहले मेरा आइडिया तो सुन लो। इनकी सेवर देख रहे हो? इनकी इतनी कीमत है ना कि बड़ी से बड़ा तना सेठ भी नहीं लगा सकता। सोच लो अगर इन्हें चुराओगे तो मार्केट में कितने पैसे मिलेंगे तुमको? इतने पैसे कभी चोरी चकारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे क्या हो, जाओ जाओ चुरा लो, गो गो। हैंड्स अप। अगर कोई भी अपनी जगह से हिला ना तो समझ गए ना? ए चलो। थैंक गॉड जान बची। मैंने जेवर ले जाने नहीं दूंगा। क्या पागल हो गए हो, मरना चाहते हो? ये डर बना बना के तो तुमने ये सारे प्लान बनाए हैं। तुम्हारा ही प्लान है मुझे पता है। अंगद मेरी आंखों में देखो और एक सेकंड के लिए तो मेरा विश्वास करो। हाँ मैं जानती हूँ, लोगों को पहचानती हूँ, लेकिन पहचान मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। चलो मान लिया, ट्रस्ट करता हूँ तुम पे, तो प्रूफ करो। व्हाट व्हाट व्हाट
प्रूफ करके दिखाओ तो मैं तो जुड़ू कराटे आते हैं ना। मारना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ साथ मारूंगा। बचाते हैं जेवर को, बचाते हैं कालिंदी की विरासत। कम ऑन, लेट्स डू इट। ओह गॉड, ये एक ही लाइन पे इतना क्यूट और इतना इरिटेटिंग और इतना सही कैसे हो सकता है? क्या हुआ, लड़ना है कि नहीं? अगर तुम इतने क्यूट ना लगते ना तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ती। लड़ना है लेकिन इसके लिए क्या करना है ना मुझे अच्छे से पता है। सबसे पहले पुलिस को फोन करना है। मेरी पॉकेट में फोन रखा है, निकालो और 100 नंबर डायल करो। अरे क्या कर रही हो? ये पीछे वाले पॉकेट में। हेलो, अंबाला पुलिस कंट्रोल रूम। काली मंदिर रोड पे आ जाइए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आखिर तुम मिल ही गई काली मंदिर। चलो निकलते। अरे गुंडे वाले भैया, वो आपने त्रिशूल क्यों छोड़ दिया? लगता है बहुत कीमती है, पंच धातु का बना हुआ है, वो क्यों छोड़ दिया आपने? विरासत और अर्पित कर दो माता रानी पे ये जेवर। I'm impressed. Wow, दिया, I'm impressed. आपने इतनी प्रोफेशनल फाइट कब सीखी? मतलब एक सेकंड के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि आप मेरी कालन दीदी हो। Oh, you stupid. मैं तुझे जिताने के लिए लड़ी हूँ कि मैं तेरी दी हूँ, ना कि बुलाने के लिए। ये पुलिस वाले कितने ओल्ड फैशन्ड है, अभी भी 70s की मूवी में अटके हुए, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ही आते। आ गए। हेलो मिस वाइपर। आखिर आज तुम मिली गई। नाइस टू मीट यू।